Knowledge Park, the creative school, school for quality and innovative education. Emba Constructions, all types of buildings, house, shop. Haji Builders and Developers, beautiful home for sale with all facilities. Assalamu alaikum, adab, namaskar. Main Mohsin Ali aur aap dekh rahe hain BK News. बीदर इंचार्ज मिनिस्टर प्रभु चौहान ने बसवकल्याण के तालुका पंचायत गवर्नमेंट हॉस्पिटल और तहसील ऑफिस का दौरा किया। प्रभु चौहान ने तहसील ऑफिस में एक मीटिंग की जिसमें प्रभु चौहान ने तमाम बेसिक ज़रूरतों के बारे में अधिकारियों को आदेश दिया कि ड्रेनेज की सफाई, स्ट्रीट लाइट्स, ब्लीचिंग और फिल्टर वाटर जैसे तमाम काम होने चाहिए और प्राइवेट हॉस्पिटल को खुला रखने के लिए कहा। प्रभु चौहान ने इस मीटिंग में सभी डिपार्टमेंट के ऑफिसरों को कोरोना को लेकर सेफ्टी और इंतजाम के बारे में पूछा। विदेश और दूसरे स्टेट से आए हुए लोगों का डेटा मांगा और जो लोग होम क्वारंटाइन हैं उन पर कड़ी नज़र रखने के लिए कहा। फूड ऑफिसर को राशन सप्लाई के बारे में बात की और आदेश दिया कि हर राशन शॉप पर फ्री राशन का बोर्ड लगना चाहिए। हेल्थ डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट और आशा वर्कर से पूछा कि मास्क, सैनिटाइजर्स की और ज़रूरत है क्या, और सभी डिपार्टमेंट के ऑफिसरों को कोरोना वायरस को लेकर जनता के बीच अवेयरनेस करने के लिए कहा। सरकार ಕಡೆಯಿಂದ ಏನೇನ್ ಕೊಡಬೇಕು ನಾನು ಖಂಡಿತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ತಮ್ಮದು ಕೂಡ ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ದುಡಿದೆ ತಾವು ಖರ್ಚ ಮಾಡ್ರಿ ತಮ್ಮದು ಕೂಡ ಬಂದ್ರೆ ತಾವು ಖರ್ಚ ಮಾಡ್ರಿ ಏನೇನ್ ಬೇಕು ಸರ್ಕಾರನ ಸಂಡೇ ಆಗಲಿ ಮಾಸ್ ಆಗಲಿ ಏನೇನ್ ಬೇಕಾಗಲಿ। मीटिंग में बीदर इंचार्ज मिनिस्टर प्रभु चौहान, एमएलए बी नारायण राव, तालुका पंचायत प्रेसिडेंट यशोदा नीलकंठ राठौड़, असिस्टेंट कमिश्नर भानवर सिंह मीना, तहसीलदार सावित्री सलगर, इनके अलावा सभी डिपार्टमेंट के आला अधिकारी मौजूद रहे और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आइसोलेशन वार्ड का जायजा लिया और आशा वर्कर से बात की। इसका मेन उद्देश्य है कोविड 19 कोरोना महामारी के रोकने के लिए सरकार की ओर से, हमारी ओर से, जिला अरलित की ओर से, तालुका की ओर से अभी तक क्या क्या हमारे ऑफिसर ने किया है और रिपोर्ट मैंने लिया है और आगे क्या क्या करना है। मैं आपको बीदर महाजनता जनता को, बसवकल्याण महाजनता को, सभी कर्नाटक के 6 करोड़ जनता को निवेदन करता हूँ कि कोरोना रोकने के लिए अभी तक मेडिसिन उपलब्ध नहीं हुआ है। अमेरिका सरीका देश, चीन, बड़े बड़े देश बाहर इसमें घुस गए हैं तो हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी मनवी किए हैं, मैं भी हाथ जोड़ के मनवी करता हूँ, इसका मेडिसिन एक ही है, आप घर में रहना है, आप घर में रहना है। सरकार की ओर से आपको खाना का व्यवस्था होगा, होम डिलीवरी भी होगी, तरकारी भेजेंगे आपको, मेडिसिन भेजेंगे, आप घर से बाहर निकलना नहीं है। इसके लिए ही हम आज मीटिंग लिया है और आज का मीटिंग का एजेंडा एक ही है, कोरोना को रोकना है। ये जो हमारे बीदर में जो निजामुद्दीन जमात को बीदर से 30 लोग गए थे, दिल्ली जाके वापिस आने के बाद मैं इतना खुश था कि बीदर यादगीर कैंसर मिनिस्टर हूँ, पूरा मेरा एक भी पॉजिटिव नहीं आकर था, लेकिन जैसे दिल्ली से वापस आए निजामुद्दीन जमात से रो, तब से 11 लोगों को अभी तक पॉजिटिव हुआ, एक आदमी डेथ हुआ, 11 लोग पॉजिटिव आया है, उसके लिए हम बहुत सीरियस है। इसलिए आज का एजेंडा यही है कि बसवकल्याण में भी एक पॉजिटिव हुआ है, इसलिए इसका एजेंडा है कि इसको रोकने के लिए हम लोग क्या क्या करना चाहिए। बॉर्डर लगाए हम लोग, उसमें हमारे बाहर से कितने लोग आ रहे उसका हम ब्यूरा ले रहे हैं, क्वारंटाइन में रख रहे हैं, किट क्या चाहिए, इसका पूरा विवरण करने के लिए मीटिंग है। सर यहाँ तक देख रहे हैं कि आशा कार्यकर्ता रहते हैं, स्टाफ रहते हैं, हॉस्पिटल रहते हैं, सर ये हर एक को सर जो भी मटेरियल है जैसे कि सैनिटाइजर है, ग्लव्स है, फिर मास्क है, ये काफी कम है सर, इसकी दिक्कत बहुत कम है यहाँ पे। नहीं, हमने डीसी के अकाउंट में सरकार की ओर से पैसा आया है, तहसीलदार के अकाउंट में पैसा आया है, वही देखने के लिए मैं आया हूँ क्या क्या कमियां हैं, आगे क्या क्या करना होगा। सरकार की ओर से हमारे शासन, हम सभी मिलके इसका सामना करेंगे। आने वाले दिन में पुलिस हो, आशा कार्यकर्ता हो, आंगनवाड़ी हो, किसको भी मास्क कम नहीं गिरेगा, उसका पूरा जवाबदारी हम लेंगे। सर जो राशन दिया जा रहा है सर, पहले उसको घटाकर 5 किलो किया गया सर, तो इसमें लॉकडाउन के चलते उल्टा फायदा नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा सर? ये फ्री राशन दे रहे हैं क्योंकि कोरोना का बहुत बड़ा इफेक्ट पूरा देश में हुआ है, आपके माध्यम से पूरा अमेरिका सरकार देश घुटना टेक दिया है, चीन सरकार देश पूरा बर्बाद हुआ है, उसीलिए ये 1 से 30 कोटी जनता का देश है, सभी को न्याय मिलना है, उसीलिए ये प्रयोजन किया है।
वही हमारे एजेंडा एक ही है, हमारे जिले में हमारे तालुके में बसवकल्याण हो, हुनसूर हो, भालकी हो, औराद हो, हुमनाबाद हो, एक भी आदमी भूखमरी से नहीं मरेगा, एक भी आदमी भूखा नहीं रहेगा। ये हमारा एजेंडा है। हम 7 किलो देवे, 5 किलो देवे, 10 किलो देवे, लेकिन लोगों तक पहुँचे। सर इसमें किसान बहुत परेशान है सर, उनका फसल रेडी है, फ्रूट्स रहते, टमाटर रहते, हर कोई रहते सर, उसका कास्ट के लिए वो मार्केट में नहीं ले पा रहा सर, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हो रहा सर, तो ऐसे में क्या करें, गवर्नमेंट उनको क्या सुविधा तो करेगी? आपको भी पता है हमारा भारत देश का पूरा किसान परेशान है, विश्व का किसान परेशान है। बड़े बड़े उनके सब द्राक्षे आया है, क्लेंगड़े आया है, नहीं जा रहा है, लॉकडाउन है, जान जाने के बाद भी क्या करेगा, उसी लिए वो फिर भी सरकार की तरफ से इन्हें क्या क्या करना चाहिए हम करने का प्रयास कर रहे हैं। ये तो अभी बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि डेली का डेली ज्यादा आंकड़ा बढ़ रहा है, बढ़ने की उम्मीद है। 14 तारीख को हमारे प्रधानमंत्री जी घोषणा करेंगे, कल में कैबिनेट हुआ है, कैबिनेट में भी जो प्रधानमंत्री बोलेंगे उस पर चले करके निर्णय हुआ है। सर सील्डाउन के बारे में क्या कहना सर आपका? सील्डाउन में ये पहले लॉकडाउन एक्सेस होने दो, उसके बाद सील्डाउन को बचाएंगे। सर ये आप आते हैं मीटिंग करके चले जाते हैं, लेकिन उसका कुछ उपयोग नहीं होता सर। आप लग रहा है, हमको तो लग रहा है उपयोग होता नहीं करके। होता सर, क्यों तो इससे पहले भी आपने कंप्लेंट बॉक्स से दिया था सर, लेकिन हर ऑफिस में कंप्लेंट बॉक्स है, एक से दो ऑफिस में मुझे हमारा तहसीलदार ने बताया है कंप्लेंट आया है, वो बहुत सॉल्व किया गया है, काम हो रहा है। क्योंकि मैं एक सेवक के नाते आता हूँ, मैं क्या करके नहीं आता है, अभी भी जो आया हूँ सेवक नाते आया हूँ, आगे भी बसों के लिए आते रहूंगा। हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।